Okay, students, today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 14, and it is ecosystem. ठीक है, तो लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने आपको कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ कोरोना, व्हाट इज व्हाई इट इज नोन एज कोरोना वायरस एंड ऑल दैट. लेकिन उसके पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था, और चैप्टर नंबर 13 जो हमारा था वो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. अब बारी है चैप्टर नंबर 14 की, दैट इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि इसको एक न्यू टर्म से भी नॉमिनेट किया गया है, दैट इज बायोटोप्स. इट इज ऑल्सो नोन एज बायोटोप्स, विच मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड टोप्स इज रिलेटेड विथ प्लेसेस. यानी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि अलग अलग तरह के प्लेसेस पर अलग अलग तरह की जो लाइफ होती है इसी को हम लोग बायोटोप्स यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं. यानी कि डिफरेंट प्लेसेस अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वो अलग अलग रहकर अपना सर्वाइवल डेवलप करते हैं. तो इसी रिलेशनशिप को, जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बताया गया है, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम. तो अगर एक कॉमन डेफिनेशन हमसे मांगा जाए तो वी कैन से दैट इट इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग अडेप्टेशन among different organisms. यानी के जितने भी अलग अलग तरह के organisms हैं उनके बीच में जितना भी सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं ecosystem. ठीक है, मैं आपको आगे समझा दूं कि ये जो ecosystem टर्म है, this term was coined by a scientist known as A.G. Tansley एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1935 में इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया गया था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म जो है ये किसने कॉइन किया. तो द साइंटिस्ट वाज A.G. Tansley एंड 1935 था वो साल जब इस टर्म को कॉइन किया गया. तो दिस इज द रिलेटेड विद इकोसिस्टम. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और इकोसिस्टम को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है. तो देखिए, जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो सबसे पहला जो इकोसिस्टम का टाइप हम लेंगे, सबसे फर्स्ट इकोसिस्टम टाइप जो है ये हम लेते हैं बेस्ड ऑन प्लेस, यानी के प्लेस के बेसिस पर. तो प्लेस के बेसिस पर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो है हमारा वो कितने तरह का हो सकता है. देखिए, पहला जो हमारा है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, फर्स्ट इकोसिस्टम हो जाएगा टेरिस्ट्रियल, और दूसरा इकोसिस्टम जो होगा वो हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो आप सबको पता है कि अगर हम अर्थ सरफेस पर है, अगर हम जमीन पर मतलब अर्थ के सरफेस पर दो तरह की चीजें हैं, जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर रहे हैं, एक जो जमीन पर रहते हैं और दूसरा जो पानी में रहते हैं. अब जो जमीन पर रहते हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम्पल उनका जो हैबिटेट हो सकता है जमीन पर रहने वालों का, वो जंगल हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, वो ग्रासलैंड एरिया हो सकता है. ये सब कुछ ऐसी जगह है जहां पर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा जाता है. लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर लेक्स हो सकते हैं, ओशियंस हो सकते हैं. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के. तो इकोसिस्टम अगर प्लेस के बेसिस पर देखा गया तो दो टाइप का होता है, दैट इज टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरिस्ट्रियल का एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक इज लेक्स एंड ओशियन. लेकिन आगे की कैटेगरी में मुझे आपको ये बताना है कि अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की फिर से और इसकी बेसिस अगर हम देखने की कोशिश करें कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, अपने फॉर्मेशन के बेसिस पर इकोसिस्टम कितने टाइप का है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन बेसिस, तो ओरिजिन के बेसिस पर इकोसिस्टम जो है हमारा वो दो तरह का होता है. ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पर दो कौन सा होगा, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो क्या डिफरेंस है नेचुरल आर्टिफिशियल में. तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब वैसा इकोसिस्टम जो नेचर ने क्रिएट किया है. जैसे
वो नेचुरली बनकर तैयार हो गया, यानी कि बड़ा बड़ा ओशियंस हो गए, बड़े ओशियंस हो गए, सी हो गया, उसके बाद से आपका फॉरेस्ट जो नेचुरली डेवलप फॉरेस्ट होते हैं वो हो गए, तो जो नेचर की तरफ से इकोसिस्टम बन गया जहां पर कई सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो दैट इज नोन एज नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल का मतलब जो मैन क्रिएट करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के आगे सामने में पॉन्ड्स बनवाते हैं ताकि वो वहां पे फिश फार्मिंग कर सके, मछली पालन कर सके और अपनी जिंदगी को गुजार सके, ये एक तरह का लाइव स्टॉक हो गया मछली पालन करना, तो वो आर्टिफिशियली उन्होंने पॉन्ड बनाया, पहले से वहां पे पॉन्ड नहीं था। तो या फिर आप अपने घर में छोटा सा एक्वेरियम लाकर रखते हैं, उसके अंदर आप मछली को रखते हैं और उसको उस तरह का अकोमोडेशन देते हैं, उस तरह की अडेप्टेशन देते हैं जहां पर वो मछली सर्वाइव कर रही है, तो मछली को आपने नदी से निकाल कर नेचुरली जो रिवर बना है वहां से निकालकर अपने घर के एक्वेरियम में रख दिया, तो वो एक्वेरियम जो है दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे आप बड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं फॉरेस्ट हो गया, लेकिन जो स्मॉल पॉन्ड्स वगैरह लोग बनवाते हैं अपने लाइव स्टॉक के लिए दैट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इस तरह से नेचुरल और आर्टिफिशियल किस बेसिस पर हो गया, ओरिजिन के बेसिस पर हो गया। अगर हम लोग बात करें कि इकोसिस्टम को साइज के अकॉर्डिंग कितने बेसिस पर बांटा गया है, बेस्ड ऑन साइज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ये साइज के बेसिस पर, इसको साइज के बेसिस पर हमने चार कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे सबसे पहला जो फॉर्म है दैट इज नैनो इकोसिस्टम। नैनो मतलब वेरी स्मॉल, एकदम छोटा सा, बहुत ही छोटा, जहां पर कोई एक या दो ही ऑर्गेनिज्म रहकर सरवाइव कर रहा है, दैट इज नोन एज नैनो, वेरी स्मॉल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, आपके घर में जो एक्वेरियम आप लाकर रखते हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा दो तीन स्पेसीज मछली की डाल सकते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स आपने उसमें डाल दिया, तो ये छोटा सा एक स्पेसीज, छोटे फैमिली का स्पेसीज यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वेरी स्मॉल, सॉरी इट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज नैनो इकोसिस्टम। लेकिन उससे थोड़ा सा लार्ज दैट इज माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम में आप बात कर सकते हैं पॉन्ड्स की या लेक्स की, तो ये पॉन्ड्स लेक्स जो हो गया ये माइक्रो इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मेजो इकोसिस्टम। मेजो जो होता है ये मेजो इकोसिस्टम, ये जैसे वेरी स्मॉल था तो माइक्रो इकोसिस्टम को आप स्मॉल लिख सकते हैं, छोटा रहता है, लेकिन इससे इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेसीज होंगे। अब एक तालाब है तो उसमें मछली भी है, उसमें फ्रॉग्स हैं, उसमें और भी छोटे छोटे एक्वेटिक कीड़े मकोड़े हैं, तो एक्वेरियम के कंपेरिजन में इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो गए। लेकिन अब मेजो इकोसिस्टम अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं फॉरेस्ट, जिसमें अलग अलग तरह के बड़े बड़े स्पेसीज भी उसमें रह रहे हैं, बड़ा सा जंगल है, उसमें कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जा रहे हैं, तो दैट इज मेजो इकोसिस्टम। लेकिन जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है इकोसिस्टम की, इट इज मेगा इकोसिस्टम। इसको हम कहते हैं मेगा इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पेसीज पाया जाता है, जिसमें से कई स्पेसीज हम और आप देख नहीं सकते, जो काफी बड़े पैमाने पर, बहुत ही लार्ज लेवल पर इनकी फैमिली डेवलप होती है। जैसे ओशियन, मान लीजिए एक बड़ा सा समुद्र है, बड़ा सा महासागर है, उसमें कई तरह के स्पेसीज होंगे जो डेवलप होंगे, एंड दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज मेगा इकोसिस्टम। तो आपको अभी तक के क्लास में मैंने बताया अबाउट इकोसिस्टम, जहां पर सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ मिलकर अडेप्टेबल रहते हैं एक जगह पर। और इकोसिस्टम का टाइप्स हमने देखा कि प्लेस के बेसिस पर दो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, लेकिन ओरिजिन के बेसिस पर ये दो हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड साइज के बेसिस पर ये चार जो कि आपके सामने हैं। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। Structure of ecosystem. तो जब हम structure of ecosystem के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक जगह का ecosystem लिया, for example, it is a forest area. यहाँ पर मैंने एक जंगल का एक area surround किया है। अब यहाँ पर इस structure को देखते हुए हमें क्या-क्या बातें आनी चाहिए? सबसे पहला,
यहाँ पर जो चीज है वो पहला टर्म जो आपको जानना है, इट इज स्पेसीज कंपोजिशन। पहला टर्म जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है वो क्या होता है, स्पेसीज कंपोजिशन। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग रहकर उस जगह पर सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पेसीज कंपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसीज कंपोजिशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग जगह पर रहकर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नोन एज स्पेसीज कंपोजिशन। मैं आपको बता दूं सबसे मैक्सिमम स्पेसीज कंपोजिशन जो होती है ये दो जगह पर पाई गई है। एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस जोन में सबसे ज्यादा स्पेसीज डिस्कवर हुए हैं, और दूसरा होता है कोरल रीफ्स। अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स का मतलब होता है द डीप ओशियन जोन, यानी कि वाटर बॉडीज, ओशियन हो गया, ओशियन जोन, सी जोन, यानी कि जितना भी वाटर बॉडीज है जो काफी गहराई तक गया हुआ है ना, उसी को हम कहते हैं कोरल रीफ्स। तो अगर ये दो जगह की डिस्कवरी की गई तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्पेसीज कंपोजिशन जो है वो इन्हीं जगह पर है। लेकिन जब ज्यादा की बात हो रही है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि सबसे कम स्पेसीज कहाँ डेवलप होते हैं। तो सबसे मिनिमम स्पेसीज जो है, मिनिमम स्पेसीज कंपोजिशन जो है ये डेजर्ट एरिया में होती है, डेजर्ट एंड सेकेंड इज आर्कटिक जोन। ये दो जोन ऐसा है जहां पर सबसे कम नंबर ऑफ स्पेसीज रहकर सरवाइव करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट से वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज्यादा स्पेसीज का कंपोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स में है। कोरल रीफ्स इज नथिंग, इट इज अ डीप वाटर बॉडीज, ओशियन हो सकता है, समुद्र हो सकता है, लेकिन सबसे कम जो स्पेसीज कंपोजिशन है वो डेजर्ट और आर्कटिक जोन में देखी गई है। तो देखिए स्पेसीज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहला टर्म जो था वो था स्पेसीज कंपोजिशन, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड सेकंड टर्म हमारा क्या है, आवर सेकंड टर्म इज, हमारा जो सेकंड टर्म है जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इट इज स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेयर्स, यानी के यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का अपना अपना एक लेयर बना हुआ है, अपना एक स्तर बना हुआ है, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रॉफिक लेयर के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, ट्रॉफिक लेयर, यानी कि ऑर्गेनिज्म का अपने डिफरेंट ट्रॉफिक लेयर के अकॉर्डिंग अरेंज रहना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जंगल के बारे में आपको पढ़ाया, यहाँ पे स्पेसीज कंपोजिशन आप समझ गए। अब जो टर्म है वो ये, यहाँ पे मैंने चार लेयर बना दिए सपोज, ठीक है, इस इकोसिस्टम को मैंने चार लेयर दिया। इसका स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो पहला लेयर हम लगते हैं प्रोड्यूसर का, सेकेंड लेयर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो देखिए इस इकोसिस्टम में आपने डिफरेंट लेयर्स बांट दिया है, जैसे ग्रीन प्लांट जो होंगे वो प्रोड्यूसर होंगे, फिर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड है प्राइमरी, प्राइमरी पर डिपेंड है सेकेंडरी, और सेकेंडरी पर डिपेंड है टर्शियरी, यानी कि सबका अपना अपना लेवल फिक्स है। तो इसी फिक्सेशन ऑफ ट्रॉफिक लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो हमें दो तरह की चीजें बताई जाती हैं। जैसे दो टर्म्स आपके एनसीईआरटी में दिखेंगे, जिसमें से पहला टर्म होता है स्टैंडिंग क्रॉप। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप इकोसिस्टम में क्या है? तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है द कंप्लीट बायोमास पोटेंशियल। यहाँ पर एक ही शब्द है जो आपको याद रखना है, दैट इज बायोमास पोटेंशियल। बायोमास की जो पूरी ताकत एक इकोसिस्टम में है उसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब बारी आएगी व्हाट इज बायोमास, है ना, बायोमास क्या है? तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो जिंदा चीज है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग स्पेसीज है, दैट टुगेदर इज नोन एज बायोमास। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक
कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज द बायोमास पोटेंशियल, इन्हीं को हम कहते हैं हमारा बायोमास पोटेंशियल, दीज आर नोन एज बायोमास पोटेंशियल। अब उसी तरह से एक टर्म और इन्वॉल्व होगा आपका, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट किसको कहते हैं, तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है जैसे आप एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है, हमारा लिविंग फैक्टर है, जो भी प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, सब मिलकर लिविंग कहलाते हैं। तो उनका जो कंप्लीट मास होगा जिससे वो एक इकोसिस्टम में सुटेबल अडेप्टेशन के साथ जी रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन हम अपने साथ उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि एबायोटिक हैं, इनऑर्गेनिक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ एनवायरनमेंट में हैं, जैसे कि बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, वुडन ब्लॉक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हैं। तो जो भी इनऑर्गेनिक मास होता है इकोसिस्टम का, जो भी इनऑर्गेनिक मास होता है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। तो देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात चल रही थी, तो स्ट्रक्चर बेसिस पर आपको सबसे पहले याद रखना है स्पेसीज कंपोजिशन। जो भी स्पेसीज एक इकोसिस्टम में है और उनका जो भी लिविंग वे है, दैट इज स्पेसीज कंपोजिशन। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, मीन्स ट्रॉफिक लेयर का अरेंजमेंट एक इकोसिस्टम में इज स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें एक दूसरे पर डिपेंड रहकर वो अपना सारा रोल करते हैं, सारा अपना एक्टिविटी पूरा करते हैं। तीसरा स्टैंडिंग क्रॉप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी बायोमास पोटेंशियल एक जिंदा चीज की जो भी पोटेंशियल एक इकोसिस्टम में है, दैट इज नोन एज बायोमास पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन जिंदा चीज के अलावा जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं, उनका जो एक कंप्लीट पोटेंशियल हमारे इकोसिस्टम में है, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेस क्लास, सून वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आपकी क्लासेस रेगुलर आपको मिलने लगेंगी और हम लोग अगला पार्ट अपना शुरू करेंगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, सबके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं, सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग उसमें डील करेंगे। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे।